बड़ी खबर आ रही है, झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी अब एआईएमआईएम पार्टी। 10 सीटों पर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार को उतार सकती है, तो हटिया, गढ़वा और महगामा से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं बाकी सीटों पर पार्टी मंथन कर रही है, तो एआईएमआईएम अब झारखंड में भी उतर रही है और 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन हटिया, गढ़वा और महगामा से चुनाव लड़ना तय बताया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, अब एक नया खिलाड़ी झारखंड के चुनावी खेल में आ गया एआईएमआईएम, क्या कहेंगे आप? 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की आकांक्षा और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए काशिफ, एआईएमआईएम का अगर 2019 का हम चुनाव देखें तो इस चुनाव में भी कई सीटों पर कैंडिडेट उतारा गया था, हालांकि गढ़वा और महगामा सहित अन्य विधानसभा सीट पर इस पार्टी ने और वैसे भी जो पार्टी ने उम्मीदवार दिया था। हालांकि अभी तक की जो अपडेट निकलकर सामने आ रही थी और कयास लगाया जा रहा था कि ओबीसी की पार्टी इस बार चुनाव ही मोड से दूर रहेगी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन और नामांकन की प्रक्रिया नजदीक आ रही है और 10 सीटों पर राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी कर चुकी है। 3 सीटों की एक तरह से कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट हो चुका है, देर रात तक नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और पार्टी की ओर से जो 10 सीटों पर चुनाव लड़ना है उसका भी पार्टी मंथन करेगी कि किन किन सीटों पर संगठन मजबूत था और वोटरों की संख्या किन किन सीटों पर अधिक है। अगर महगामा, गढ़वा और हटिया की बात करें तो इन 3 विधानसभाओं में जो अल्पसंख्यक वोटर हैं उनकी संख्या काफी अधिक है, जिसको देखते हुए इन 3 सीटों को फिलहाल फाइनल करती हुई वैसी की पार्टी दिखाई दे रही है। बाकी सीटों पर पार्टी फिलहाल मंथन कर रही है, लेकिन 3 सीटों पर लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि एआईएमआईएम अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।